नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक दूसरा पेज कॉन्टैक्ट अस, जो कि यूज़र का फीडबैक लेने के लिए वेबसाइट्स पे यूज़ किया जाता है। हम उसको अपनी लोकल वेबसाइट जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर ऐड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों, ड्रुपल जो कोर के मॉड्यूल होते हैं उसमें एक मॉड्यूल आता है, इनबिल्ड होता है ड्रुपल के सेटअप में, कॉन्टैक्ट। इसको हम लोग इनेबल करेंगे, सेव करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल हो गया मॉड्यूल। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ एक कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। आप इसको एडिट करके आप अपनी मेल आईडी यहाँ पर, या आप कुछ कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो ऑटो रिप्लाई में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो ये मैसेज वहाँ डाल के आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये फॉर्म इनेबल हो गया लेकिन अभी ये दिख नहीं रहा, तो इसके लिए मॉड्यूल में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ वो लिंक दिया है, जे इस टाइप का कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा बन गया। यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, योर सब्जेक्ट में क्या, मैसेज में क्या, यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका हमें अब मेनू बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी इस पेज पे हम कैसे जाएंगे। तो इसके मेनू बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर पर जाएंगे, मेनू पर जाएंगे, मेन मेनू की लिस्टिंग में जाएंगे, एक नया मेनू ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट अस, पाथ हम कॉन्टैक्ट रखेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही पाथ रखना है जो पाथ हमें वहाँ जनरेट हुआ है। इसके लिए हम एक बार और चेक करके मैं आपको दिखा दूँ, ड्रुपल 7 कॉन्टैक्ट, देखिए अभी ये ओवरले में खुला है लेकिन अगर हम इसको ऐसे चेक करेंगे तो ये देखिए स्लैश अब अपने प्रोजेक्ट का नाम स्लैश कॉन्टैक्ट, तो यही URL हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, वेट दे देते हैं, अबाउट अस के बाद रहेगा, सेव कर देते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस आ गया, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वैलिडेशन बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया कैसे अपनी ड्रुपल की वेबसाइट पे कैसे कॉन्टैक्ट पेज जोड़ते हैं, कॉन्टैक्ट अस। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।